नॉर्थ कोरिया लगातार अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाकर इलाके में हलचल तेज कर रहा है। नॉर्थ कोरिया कभी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तो कभी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दक्षिण कोरिया और जापान में हड़कंप मचा देता है। एक बार फिर नॉर्थ कोरिया ने चौंकाने वाला दावा कर इलाके में तनाव को बढ़ा दिया है। तानाशाह किम जोंग उन ने अपने लेटेस्ट और खतरनाक सुसाइड ड्रोन को लॉन्च कर दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। माना जा रहा है कि किम को मिसाइलों के अलावा अब ड्रोन भी पसंद आने लगे हैं। नॉर्थ कोरिया ने इस ड्रोन के सफल टेस्ट का दावा किया है। नॉर्थ कोरिया के आत्मघाती ड्रोन के सफल लॉन्च से किम जोंग उन खासे उत्साहित दिखे। बताया जाता है कि किम जोंग उन ने खुद इसकी निगरानी की थी। इसमें क्रीम रंग की बेकर बॉय हैट पहने किम मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। पास में दूरबीन भी रखी है। इसका टेस्ट 24 अगस्त को किया गया था। KCNA की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्टिंग के दौरान ड्रोन ने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। इस पर किम ने ड्रोन्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस करने की बात कही। किम ने इस दौरान सेना से और ज्यादा सुसाइड ड्रोन को बनाने के लिए कहा। तस्वीरों में ड्रोन को टैंक जैसे दिखने वाले टारगेट पर हमला करते हुए दिखाया गया है। आइए जान लेते हैं नॉर्थ कोरिया के नए नवेले सुसाइड ड्रोन की खासियत, जिसने दक्षिण कोरिया की सांसें फुला के रख दी है। ये ड्रोन विस्फोटक ले जाने में माहिर होते हैं, जिन्हें दुश्मन के लक्ष्यों पर गिराने के लिए तैयार किया जाता है। ये जमीन, हवा और समुद्र में हमला करने की क्षमता रखते हैं। ये प्रभावी रूप से गाइडेड मिसाइलों के रूप में काम करते हैं। उत्तर कोरिया के बढ़ते ड्रोन बेड़े में अलग अलग मारक रेंज वाले ड्रोन हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो तस्वीरों में ड्रोन इसराइल के हारोप आत्मघाती ड्रोन, रूस के लैंसेंट 3 और इजरायली हीरो 30 की तरह दिख रहा है। नॉर्थ कोरिया के सुसाइड ड्रोन की टेस्टिंग ऐसे वक्त पर हुई है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसका मकसद नॉर्थ कोरिया के लगातार हथियारों के टेस्ट से दक्षिण कोरिया का बचाव करना है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि 29 अगस्त तक चलने वाली उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास का मकसद उत्तर कोरियाई खतरों के खिलाफ अपनी तैयारी को बढ़ाना है। 한미 정보 당국은 북한군의 다양한 군사 활동은 물론 무인기를 포함한 무기 개발 동향에 대해서 지속 추적 감시하고 있습니다. 또한 우리 군은 확고한 군사 대비 태세를 확립한 가운데 UFO 연습을 내실히 실시하고 있고, 만약 북한이 도발을 한다면 즉각적 원칙에 따라서 압도적이고 단호하게 응징할 것을 다시 한번 강조드립니다. 과거에 북러 교류를 할 때 일부 선물을 하거나 그런 걸로 저희가 알고 있습니다. 그래서 그런 것들이 선물 기량이 될 수 있지 여러 가지 다양한 방안에 대해서 좀 분석을 좀 해봐야 될 것으로 판단됩니다. इस बीच योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने कहा कि वह दक्षिण कोरिया के साथ सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को तैनात करने की योजना बना रहा है, जिनकी रेंज 110 किलोमीटर है, जो सियोल के दक्षिण तक निशाना लगाने में सक्षम है। KCNA ने इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट दी थी कि किम जोंग ने 250 नए सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों की डिलीवरी का टेस्ट किया था। ऐसे में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का तनाव और गहराने की आशंका बढ़ गई है।